जब भी आप एज अ राइटर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको अपनी स्क्रिप्ट के साथ टाइटल पेज को अटैच करना रहता है, चाहे आप उसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं SWA में, या फिर आप किसी तरह के कॉम्पिटिशन में दे रहे हैं, या फिर आप उसे प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, आपको टाइटल पेज अटैच करना होता है। तो देखिए, टाइटल पेज बनाने का भी सही एक फॉर्मेट होता है, सही तरीका होता है। टाइटल पेज आप कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि टाइटल पेज आपको किस तरीके से सही फॉर्मेट में बनाना है, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए, ये जो टाइटल पेज जो है ना, अगर आप फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में बनाते हैं ना, तो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज करने का मजा ही कुछ और होता है। जो राइटर्स फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, आप उनसे पूछिए क्या मजा आता है फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में यूज करके स्क्रिप्ट लिखने का, टाइटल पेज बनाने का, उसके अलग अलग फीचर्स को यूज करने का। तो अगर आप फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में टाइटल पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप उसमें नहीं भी कर रहे हैं तो आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर का अगर यूज कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर में भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, तो अगर आप एक राइटर है तो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में आप ये सभी चीजें कीजिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में 95% लोग यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और जब भी आप कोई वर्क करने के लिए जाएंगे ना, जैसे आप टीवी सीरियल्स कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज, वहां पर आप एज राइटर काम कर रहे हैं, तो आपको यही सॉफ्टवेयर चलानी मिलेगी। तो ये सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए चलाना, तो आप सीखिए। तो सीखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो गाइस, आपके सामने यहाँ पर फाइनल ड्राफ्ट 13 की इंटरफेस जो है वो खुली हुई है, आप देख सकते हैं ये फाइनल ड्राफ्ट 13 है। लेकिन आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, टाइटल पेज क्रिएट करना, ये फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर की किसी भी वर्जन में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप सेम ही होगा। देखिए, आपको क्या करना है ना, टाइटल पेज क्रिएट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आ जाना है। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल पेज का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए, टाइटल पेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट टाइटल, स्क्रिप्ट का टाइटल आपको यहाँ पर लिख देना। तो जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लाएंगे तो नीचे में आप स्क्रिप्ट का टाइटल जो है वो लिख पाएंगे, जो भी आपका टाइटल है स्क्रिप्ट का वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं भोलू पंती, चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं रिटर्न बाय, तो रिटर्न बाय आपको लिखना है, तो आपको अपना नाम लिखना है क्योंकि आपने ही लिखा है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखने लायक है ना, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ पेज से ये स्टार्ट हुई है और ये जो ऊपर की जो स्पेस है ना, ये खाली है, ये खाली छोड़नी पड़ती है। क्योंकि जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, चाहे आप SWA में करवा रहे हैं या फिर आप WGA में करवा रहे हैं, आपको ये पेज जो है ऊपर में खाली छोड़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैम्प्स वगैरह होती है या फिर स्क्रिप्ट जो है वो आपके नाम पर रजिस्टर हुई है, ये यहाँ पर लिखी हुई रहती है, वो SWA या फिर WGA यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ फर्स्ट राइटर, अगर मान लीजिए कि 2-3 राइटर्स ने लिखा है, जैसे आपने लिखा है और आपके साथ को राइटर भी है आपके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेम ऑफ फर्स्ट राइटर, नेम ऑफ सेकंड राइटर, नेम ऑफ थर्ड राइटर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस लाइन को आप रब कर सकते हैं, आप इसे इरेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बेस्ड ऑन इफ एनी का ऑप्शन आ रहा है, बेस्ड ऑन, अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है वो किसी बुक पर आधारित है, किसी इंसान पर आधारित है, किसी घटना पर आधारित है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेस्ड ऑन इफ एनी। अगर नहीं है तो फिर आप इसे भी इरेज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप देख सकते हैं टाइटल पेज जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो नीचे में एड्रेस और फोन नंबर का ऑप्शन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एड्रेस आपको लिख देना है। हालांकि एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है, एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप अपना यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है, मैं यहाँ पर जस्ट इस तरीके से टाइप कर दे रहा हूँ, आपको अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर आपको लिख देना है, तो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया। और एक एडिशनल चीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर आप अपना ईमेल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से ईमेल आईडी लिख लीजिए, और ईमेल आईडी लिखने के बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका ईमेल आईडी है आप लिख करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो हो गया, ये तरीका, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। तो देखिए, ये जो फॉर्मेट है ना, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया टाइटल पेज का। आपको क्या करना है, टाइटल पेज को आधा खाली छोड़ना है, फिर आपको स्क्रिप्ट का टाइटल लिखना है, रिटन बाय लिखना है, और उसके बाद फिर बेस्ड ऑन इफ एनी अगर ऐसा कुछ है तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको लिख देना है। तो ये टाइटल पेज का एक फॉर्मेट हो गया, आप इस फॉर्मेट को फॉलो करके टाइटल पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइटल पेज जो है वो क्रिएट किया फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं अगर आप लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए
प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रोफेशनल चीजें यूज करनी पड़ेगी। और अगर आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर का फुल ट्यूटोरियल चाहिए, जितने भी मेन्यूज वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए, इसके हिडन फीचर्स आपको जानने हैं, बहुत सारे इसमें फीचर्स रहते हैं तो वो सब आपको जानने हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स। इस कोर्स में आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को पूरा सिखाया गया है, स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग सिखाई गई है, मेन्यूज सब मेन्यूज के बारे में बताया गया, हिडन फीचर्स बताया गया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1 मंथ का ये शॉर्ट कोर्स है, आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर ही बाय करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सॉफ्टवेयर को बाय करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके लिए भी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सेम कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।